नागपुर में एक स्कूल ऐसी भी है जहां रोज छोटे बच्चों से योगा करवाया जाता है। ब्लॉसम स्कूल में आज योगा दिवस के अवसर पर भी शिक्षकों और बच्चों द्वारा योगासन किया गया। योगा का महत्व बच्चों तक पहुंचाने का कार्य स्कूल द्वारा किया जा रहा है। नागपुर के पावन गांव में ब्लॉसम स्कूल में आज योगा दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। योगा दिवस के अवसर पर शिक्षकों और बच्चों द्वारा योगासन भी किए गए, जबकि ब्लॉसम स्कूल में बच्चों से रोज ही योगा कराया जाता है। शिक्षकों का कहना है कि योगा से बच्चों का तन भी स्वस्थ रहता है और इसीलिए रोज ही स्कूल में योगा कराया जाता है। आज योगा दिवस के अवसर पर बच्चों ने पद्मासन, पश्चिमोत्तासन ऐसे अनेक आसन भी किए और बच्चों ने भी इस वक्त उत्साह के साथ भाग लिया। वीकेबी न्यूज़ के लिए राजेश जंगिटवार की रिपोर्ट। मैम, क्या कहेंगे आज यहाँ पर आपके स्कूल में योगा डे का आयोजन हुआ है, किस तरह से ये आयोजन था और क्या इसके पीछे महत्व है? सर दीदी, जैसे आपको आप जानते हैं कि योगा हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए बहुत ज़रूरी है और ये छोटे बच्चे हैं और मैं चाहती हूँ कि अगर हम इस लेवल से ये योगा स्टार्ट करते हैं, क्लास 5th से हमने स्टार्ट किया है योगा, इवन छोटे बच्चे भी कर रहे हैं क्लासेस में, तो उनके आगे के भविष्य के लिए अगर उनका मन अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली उनका तन भी अच्छा रहेगा, शरीर भी अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है और हम सभी तरह के आसन अपने स्कूल में कराते हैं, रेगुलर बेसिस पर कराते हैं और आज ये इंटरनेशनल योगा डे है इसलिए ये आयोजन किया गया है। और सर, हमारा ब्लॉसम स्कूल में रेगुलरली हम पीटी पीरियड्स लेते हैं, योगा पीरियड लेते हैं और इसे हमने अपने रेगुलर एकेडमिक में शामिल किया है। मीन्स हम डेली ही हर रोज़ हमारे यहाँ एक पीरियड होता है जो इस चीज़ से, इस योगा के साथ कनेक्टेड है।